नमस्कार बीसीएन न्यूज में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है श्रीपाद रिसालदार, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। और हम सभी को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और उसके लिए जो है जिस तरह से तारीख नजदीक आ रही है, लोगों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। नागपुर में भी ऐसे कई लोग हैं जब 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन में शामिल हुए थे, और उन्हीं में से एक है श्रीपाद रिसालदार। उनसे हम उस बारे में जानेंगे कि किस तरह का ये इतिहास रहा है, क्योंकि ये प्रत्यक्षदर्शी है 1990 के। क्या बताओगे सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे धन्यवाद स्टूडियो में। नमस्कार। राम जन्मभूमि आंदोलन में आप थे, आप प्रत्यक्षदर्शी हो, तब का कैसा माहौल था? आपने कार सेवा भी तब दी थी, तो क्या बताओगे इस बारे में? राम जन्मभूमि का आंदोलन गत 500 साल से चल रहा था। बिल्कुल 500 साल पहले से लेकर लगातार हिंदू समाज ये संघर्ष करता आया, और संघर्ष करते करते एक समय ऐसा आया कि अभी यहां पर ये बाबर की निशानी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर जहाँ रामलला विराजमान थे, विराजमान है और विराजमान रहेंगे, ऐसी जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस भावना से लेकर हिंदू समाज संगठित हुआ। हिंदू समाज ने उस समय इस आंदोलन की दिशा निश्चित करने के लिए माननीय अशोक जी सिंघल इनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि अयोध्या न्यास यह स्थापित किया, और उस जगह पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो यह मांग हमेशा धर्म संसद के माध्यम से, धर्माचार्यों के माध्यम से हमेशा रखी। उसकी पहली कड़ी करके रामशिला पूजन के कार्यक्रम पूरे देश भर में हुए। इस रामशिला पूजन में हर एक बस्ती में, नागपुर शहर के करीबन 12,000 बस्तियों में यह सब रामशिला पूजन के कार्यक्रम हुए। अनेक मंदिरों में ये कार्यक्रम हुए, जिसके कारण हिंदू समाज संगठित होकर हिंदुओं की भावनाओं को लेकर इस रामशिला पूजन की पूजित शिलाएं यहाँ अयोध्या भेजी गई। आज अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है, उसकी नींव में यह पूरी देश भर से आई हुई रामशिला स्थापित हुई है, और उसके कारण इस भव्यता का हर एक आदमी को लगता है कि मेरा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं इसमें सम्मिलित हूँ। यह भावना निर्माण करने का काम इस शिला पूजन के माध्यम से हुआ। उसके बाद में फिर पहला आंदोलन जो है वो पहला आंदोलन 1990 में हुआ, और इसलिए वहां पर कार सेवा की निश्चिति की गई। लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, और मुलायम सिंह यादव जी ने ये निश्चय किया था कि किसी भी हालत में कार सेवकों को यहाँ आने नहीं देंगे, और इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश उन्होंने पुलिस छावनी के रूप में रख दिया। कोई भी आता है तो उसको अरेस्ट किया जाता था, और उन्होंने एक में वो वाक्य कहा था कि परिंदा भी यहाँ पर पाँव नहीं मार पाएगा। और इस दृष्टि से जो पूरा का पूरा माहौल था, वो माहौल बिगाड़ने का काम मुलायम सिंह जी ने उस जमाने में किया। जो भी लोग जाते थे नागपुर शहर से, करीबन 2,000 लोग वहां पर कार सेवा के लिए जाने वाले थे, लेकिन यहां से जाने वाली बसेस बंद कर दी, यहां से जाने वाली ट्रेन ट्रेन में ही उतार कर लोगों को उतारा गया। हमको पहली कार सेवा में जाने का मौका मिला। हम नागपुर से, मध्य नागपुर क्षेत्र से 50 कार्यकर्ताओं की टीम लेकर मेरे को जाने का सौभाग्य मिला। उस 50 लोगों को हमने 20-20 के टोली में डिवाइड किया, 15-15 की टोली में डिवाइड किया, और उसमें नागपुर के विजयन ट्रेवल्स जो है, जो यहाँ से इलाहाबाद की बस जाती है, उस बस के माध्यम से हमने लोगों के रिजर्वेशन करके लोगों को अलग अलग टीम बनाकर और वहां पर कहाँ पर मिलना यह बतलाया। हम जाते वक्त हमारी संपूर्ण व्यवस्था राम जन्मभूमि न्यास की ओर से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरी तरह से हुई थी। हमने अप अपनी टिकटें निकाल कर बस में बैठ कर गए, और बस में जाने के बाद में पहली ये हुई कि रीवा में हमारी बस को रोका गया। रीवा स्थान के ऊपर कुछ हमारे भी कार्यकर्ता वहां के जो थे स्थानिक, उनको भी संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर से जाओगे तो यहाँ से आपको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि रीवा के बाद में फिर इलाहाबाद की बॉर्डर शुरू होती है, बिल्कुल और इलाहाबाद की बॉर्डर के पास में आपको यहाँ से उतारेंगे, तो आप कुछ तो भी ऐसा मानस बनाओ
कि इसमें क्या करेंगे। तो मेरे साथ जो 15 कार्यकर्ता थे उसमें से एक कार्यकर्ता का हमने वहाँ पर मुंडन करवाया, और उस मुंडन करवा कर एक कलश उन्होंने हमको लाकर दिया, उसमें इनको बोला कि हमारे पास में यह अस्थि कलश है, हम ये विसर्जित करने इलाहाबाद जा रहे। तब पुलिस ने माना नहीं हमको, बोले फिर इतने ड्रेस काय को, इतने कपड़े काय को, इतने ये काय को है, आप तो रुकने वाले नहीं है। नहीं मैंने, हम रुकने वाले नहीं है। तो मेरे साथ की जो टीम थी वो 15 लोगों को मैंने लेकर वहाँ पे इलाहाबाद में हम पहुँच गए, और इलाहाबाद पहुँचने के बाद में फिर से वहाँ पे तगड़ा पुलिस बंदोबस्त था, कोई भी इधर से उधर नहीं हो सकता था। जहाँ पे होता था उनको तुरंत बाजू के बस में बिठाकर तुरंत जेल में भेजा जाता था। पूरे उत्तर प्रदेश की जेल, स्कूलें पूरी तरह से भर चुकी थी, कहीं पे भी पाँव रखने को जगह नहीं थी, इतने कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच गए थे पूरे देश भर से। और वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का जुनून था वो बड़ा ज़बरदस्त था। हम कैसे तो भी वहाँ पर त्रिवेणी संगम पर गए, वहाँ से फिर से निकले, दो दो अलग 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 करके 15 लोगों ने, और हमने एक सिंबॉलिक शब्द रखा था उसमें कोई भी है नहीं, या अल्लाह, ऐसा बोल के हम आगे चलते थे। और उसमें ऐसा आवाज़ आने के बाद सब लोग बराबर देखते थे, और उन्होंने देखने के बाद में हम चले 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 चलते रहे। हमको कार्यकर्ताओं ने बोला था कि यहाँ पर अयोध्या जाने के लिए जो रास्ता है फापा मुआ करके पुल है, उस पुलिया को पार करके आपको जाना पड़ेगा। तो हम फापा मुआ पुलिया के ऊपर आपको किसी भी हालत में 4:30-5 बजे आपको पहुँचना है। हम धीरे धीरे पूछते पाछते हर एक को बतला दिया था, और पूछते पूछते हम वहाँ पर जो निकले, तो जाते वक्त हमको ध्यान में आया कि अभी यहाँ पर बहुत तगड़ी पुलिस बंदोबस्त है। लेकिन कार सेवका का अभी बहुत जुनून था, ये गली से वो गली से जहाँ से देखो वहाँ से कोई ना कोई आके वहाँ पर टपक रहे थे। और बराबर 5 बजे उस फापा मुआ पुलिया के ऊपर काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, और वो पुलिया पार करके आगे में जाना था, अयोध्या जाने के लिए वही रास्ता है। तो वहाँ पर जाते वक्त हमको पापा मुआ के पुलिया पर पुलिस ने हमको जाने दिया। वो करीबन 2 किलोमीटर का लंबा पुलिया है, उस 2 किलोमीटर के लंबी पुलिया के ऊपर वो बाजू से पुलिसों ने बैरिकेड लगा के सबको रोक दिया, और पीछे से आने वाले बाकी के भी कार्यकर्ता जो थे वो भी चल रहे थे। कुछ धर्माचार्य थे, कुछ शंकराचार्य जी भी थे, वो उनकी भी एक बस हमारे बीच में आ गई। हमारे में से कुछ कार्यकर्ता ने उनको बोला कि आप बस से उतरो, आप हमारे साथ में चलो, अपने को अयोध्या चलना है। लेकिन वो कोई सुनने के लिए, क्योंकि पुलिस उनके साथ में थी उस बस के साथ में, और उन्होंने उसमें से किसी को भी उतरने नहीं दिया और बाकी के लोगों को ये करने नहीं दिया। उनकी बस को अरेस्ट करके पूरे शंकराचार्य और धर्माचार्य जो लोग थे उन सब की बस उन्होंने उस भीड़ में से बाहर निकालकर उनको अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद में कार्यकर्ताओं का इतना जोश था कि हमको अयोध्या जाना है, और इसलिए लोग जो निकले तो वहाँ पे पुलिस ने जो बैरिकेड लगाया था वहाँ पर उन्होंने पहला ये किया, पहले उन्होंने लाठीचार्ज किया। इतने ज़ोर से लाठीचार्ज हुआ कि उसमें से कई लोग घायल हो गए, कई लोगों की कमर टूट गई, कई लोगों ने वो पुलिया के ऊपर से सरयू में नदी में खुद को झोंक दिया, कुछ वहाँ पे लटकते रहे पुलिस के डंडे ना पड़े इसलिए। और ऐसा संघर्ष होता रहा, लेकिन कार्यकर्ता उसमें से भी ये रहे और अड़िग रहते हुए आगे जाने का निश्चय करते रहे। उतने में इतना भीड़ वहाँ पर हो गई थी कार सेवकों की कि पुलिस को आखिर में हवा में फायरिंग करनी पड़ी। उस हवा के फायरिंग के बाद में भी लोग अपना ये छोड़ने को तैयार नहीं थे, बाकी के सब लोग वहीं पे बैठे रहे। एक एक होकर फिर उन्होंने लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा ऐसा मुलायम सिंह का जो विश्वास था उसको तोड़ा गया। वहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे, हम सब लोगों को अरेस्ट किया गया। हमको अरेस्ट करके करीबन 1.5 दिन कोई भी जगह हमको स्थान नहीं मिला। पूरे बस में हमको अरेस्ट की हुई बस, उसमें 7-8 पुलिस और हमारे कार्यकर्ताओं का एक पूरा ग्रुप हमको वहाँ से
ये शिशु मंदिर में ले जाओ, वो स्कूल में ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, पूरी जितनी ये थी उतनी ये, कहीं पे भी जगह नहीं थी। इतनी भीड़ वहाँ पे कार सेवकों की अरेस्ट हुई थी, और उसमें से जो कार सेवक थे वो कार सेवक धीरे 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 कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग पीछे से जाके, कुछ लोगों ने बराबर रास्ते पकड़ के, जिनको उधर का उत्तर प्रदेश का रास्ते मालूम थे, ऐसे कुछ कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच गए। वो पहली कार सेवा में भी गए, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे भी उनको जाने नहीं दिया, रोका गया। ये सब चीज़ होने के बावजूद भी वो पहली कार सेवा यशस्वी हुई, और उस पहली कार सेवा के माध्यम से हमको वहाँ से बदायूं करके, जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर के ऊपर स्थान है, वहाँ बदायूं के जेल में हमको ले जाया गया। लोगों के कपड़े चले गए थे, बाकी का ये सब चले गया था, किसी के पास कोई चीज़ नहीं थी। ऐसे हालात में हम उस, हमको जो अरेस्ट किया था, मेरे साथ का जो 20 लोगों का एक पूरा ग्रुप था, हम 20 लोगों को भी बदायूं के जेल में लेके गए। बदायूं के जेल में लेके जाने के बाद में, बदायूं की जेल में हम 25 दिन हमको अरेस्ट करके वहाँ पे थे। जब तक माहौल क्लियर नहीं हुआ, जब तक माहौल सीधा नहीं हुआ, तब तक हम बदायूं के जेल में थे। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के लच्छू बाबू करके खासदार थे बदायूं के, उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था की। जिन लोगों के कपड़े चले गए थे, जिन लोगों के बाकी का कुछ नहीं था, उन सब लोगों को उन्होंने वहाँ पे, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने कपड़ों के ढेर ला के रख दिए। यानी लोगों के पास कुछ भी नहीं था, पूरी थैलियाँ गायब हो गई थी, बाकी का जो बेडिंग था वो नहीं था। तो सब व्यवस्था वहाँ पर जेल के अंदर में हुई, और 25 दिन के बाद में, तब तक नागपुर का माहौल बड़ा गर्म था, नागपुर में भी बड़े दंगे चल रहे थे। उस जमाने में कर्फ्यू नागपुर में भी लगा था, दोपहर को शाम 4-5 बजे के बाद में कोई भी दिखता नहीं था, पूरे पुलिस रहते थे। और हमारा जो क्षेत्र है मध्य नागपुर का, उसमें पूरा क्षेत्र में तो बहुत काफी संवेदनशील इलाका होने के कारण, उस संवेदनशील इलाके में, अब मेरे घर में आके लोग, हम जब सब लोग वापिस आने चालू हो गए, लेकिन हम कहाँ है कैसे है, उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं था। और इसलिए वहाँ पर हमको 25 दिन बाद में जब छोड़ा गया, तब तक हमारे घर में ऐसी कुछ न्यूज़ आती थी कि ये लोग उसमें मर गए, कोई यहाँ पे है नहीं, इसमें से इतने लोग नहीं आए, अभी कहाँ पे है मालूम नहीं। रोज़ मेरे यहाँ पे आकर पूछने वालों का तांता लगा रहता था। तो घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती थी, कैसा मतलब? उस वक्त मेरा लड़का जो है वो 4 साल का 5 साल का था, और लड़की मेरी जो है वो 7 साल की थी। घर में कोई नहीं था, मैं, मिसेस और बच्चे, हमारी माँ हमारे पास में थी, वो सब लोग ये करते थे। लेकिन पूरा वातावरण ऐसा था कि घर के लोगों को भी पूरा ढाढ़स था, कि उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं होगा, ये आएंगे वापिस, जरूर आएंगे। और बाकी का जो माहौल था, वो माहौल सुधारने का काम उन लोगों में ने भी किया। उस वक्त नागपुर शहर में जो सत्याग्रह हुआ, उस सत्याग्रह में भी हमारी मिसेस, हमारे घर के सब परिवार के लोग, यह सब सम्मिलित हुए थे। और ये राम जन्मभूमि का आंदोलन, उसके बाद में जो बाबरी ढांचा गिराने का दूसरी कार सेवा हुई, तब भी मैं वहाँ पर गया था। उस वक्त का भी वातावरण ऐसा प्रचंड था कि लोग कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों का एक ही जुनून था कि बस ये जो ढांचा है ये गिराना है। लेकिन वहां पर सब शांति का आह्वान कर रहे थे, बड़े बड़े नेता, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी वृत्तम्बरा, उमा भारती, ये सब लोग वहां से डायस के ऊपर से आह्वान कर रहे थे कि रुक जाओ, कोई भी ये मत करो, अपने को केवल कार सेवा करनी है। और जिनको जो तय हुआ था कि यह बाबरी ढांचा गिराना है, वो गिराने वाले सब लोग वहां पर पहुंच गए। उन्होंने गुंबद के ऊपर चढ़कर और पूरा वो गुंबद गिराने का काम शुरू किया। जो शुरू हुआ तो आखिर में वहां पे छोटे तंबू में राम लला की मूर्ति का विराजमान करके ही वो वहां से निकले। अभी इस देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर भव्य मंदिर बनकर 22 जनवरी को रामलला वहां पर विराजमान होने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया, इतना बड़ा संघर्ष आपने बताया, आप खुद उसमें शामिल थे, 500 साल का इंतजार जो है अब खत्म होने जा रहा है, और 22 जनवरी को आखिरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
तो क्या बताओगे, आप संघर्ष में थे, आप खुद ने देखा, आपने लाठियां भी झेली। इतना सब सहने के बाद आज जब जो है राम मंदिर होने जा रहा है, कैसा आपको लग रहा है, क्या बताओगे? बहुत आनंद की बात है। यह आनंद तो हम शब्द में व्यतीत नहीं कर सकते, लेकिन अभी ऐसी व्यवस्था है कि उस वक्त तो आंदोलन था, इसलिए सब लोगों को वहां पहुंचना था, बिल्कुल, लेकिन अभी ये आंदोलन नहीं है, अभी ये निर्माण का काम है। इतना बड़ा मंदिर और वहां पर हर एक की वहां पे भावना लगी हुई है, तो इसलिए लोगों का जाने का तांता वो अब लगने वाला था। बिल्कुल तो इसलिए वहां पे राम जन्मभूमि न्यास जो बना हुआ है, अभी उन्होंने जो निश्चित किया है कि 22 तारीख को कितने लोग आएंगे, और उस 22 तारीख के बाद में जो तांता चलते रहेगा वो मार्च महीने तक लोगों को दर्शन के लिए जाने का, हर एक प्रांत से 2000 3000 2000 3000 जो चुने हुए लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो कार सेवा में गए थे, बाकी के इसमें थे, सम्मिलित थे, ऐसे सब लोगों को जाने की व्यवस्था है। वहां पे टेंट की व्यवस्था उन्होंने की ऐसा सुना है, और वहां पर रहने की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था वहां पर पूरी है, और वहां पर हर एक प्रांत से लोग जाएंगे, और हर एक प्रांत से लोग जाने के बाद अभी सब लोगों को न्योता देना चालू है। राम अक्षत वहां से पूजित अक्षत हर एक गांव में आई है, और हर एक गांव में, हर एक कस्बे में, हर एक मोहल्ले में उसका वितरण चल रहा है। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक वो अक्षत वितरण का कार्यक्रम है, और 15 जनवरी के बाद में अप अपने मोहल्ले में, स्थान में, उस अपने वहां के स्थान के ऊपर मेरा गांव मेरी अयोध्या, यहाँ भाव रखते हुए अप अपने मंदिरों में पूरा काम लोगों को करना है। हर एक ने उस दिन दिवाली मनानी चाहिए, ऐसा वातावरण पूरे देश भर में हो रहा है, और पूरे देश भर के इस वातावरण को सभी हिंदू समाज का एकत्रित और संगठित संघर्ष का प्रतीक के रूप में राम जन्मभूमि के ऊपर का जो मंदिर है, वो इस देश की आस्था और अस्मिता का प्रतीक बना रहेगा, यही मुझे यहाँ कहना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपकी संघर्ष की कहानी जो है हमारे दर्शकों के सामने रखी। और अभी जो है इतने साल का इंतजार सभी का खत्म हो रहा है, और जिस तरह से मंदिर बनने जा रहा है उसके बारे में भी आपने आपकी प्रतिक्रिया दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में वक्त चला यही रुकने का, आप देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार।